हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम इस कॉम्पैक्ट साइज के ड्राइवर बोर्ड का टेस्ट करने वाले हैं। यह बोर्ड काफ़ी छोटे साइज में है, आप देख पा रहे हो, बहुत ही छोटे साइज में ड्राइवर बोर्ड है। और इस बोर्ड से आप 100 वॉट से लेकर के 1000 वॉट तक का आउटपुट ले सकते हो। और इस बोर्ड की खास बात यह है कि इसमें TL071 IC यूज हुआ है, जिससे इसकी साउंड क्वालिटी अच्छी बढ़ जाती है। हमें जो बायसिंग के लिए जो ट्रांजिस्टर लगाने पड़ते हैं, बहुत मैच करके लगाने पड़ते हैं, तो उसकी हमें यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप एक सबवूफर के लिए बोर्ड बनाना चाहते हैं तो ये वाला बोर्ड बना सकते हैं। और देखिए, हमने इसे पूरा DIY मेथड से बनाया है, पूरे ट्रैक को हमने सोल्डरिंग कर रखा है ताकि इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाए। तो अगर आप बनाते हैं तो आपको भी इस तरह से सोल्ड कर लेना है। तो चलिए हम इसके कनेक्शन करते हैं और आपको किस तरह से इससे आउटपुट लेना है उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 TSC 5200 की पेयर, यानी एक पेयर लगा के रखी है। 2 ट्रांजिस्टर हमने यूज किए हैं, एक 5200 है, एक 1943 है TTA का। आप 2SC भी यूज कर सकते हैं या फिर आप ये वाला जो NJW है ये भी यूज कर सकते हैं। तीनों आपके इस बोर्ड में चल जाएंगे। और इस बोर्ड के साथ हमने यहाँ पे आप देख पा रहे हो 0.25 ओम की रेजिस्टेंस लगा के रखी है 5 वॉट की। उसी तरह यहाँ पे भी सेम रेजिस्टेंस है। और इस कॉइल के अंदर हमने एक 5 वॉट की 10 ओम की रेजिस्टेंस लगा के रखी है और साथ ही में एक 10 ओम की 0.5 वॉट की रेजिस्टेंस कैपेसिटर से, जो 104 कैपेसिटर है उससे सीरीज करके हम इसे ग्राउंड कर देंगे। तो चलिए साथ में कनेक्शन भी करते हैं। तो हम इसे ग्राउंड कर देते हैं और यह हमारा ग्राउंड हो गया। और जो बीच में आपको B+, B- और एक सेंटर वाला है, ये जो सेंटर है ये हमारा स्पीकर आउटपुट रहेगा। तो ये हमारा कॉइल के यहाँ पे लग जाएगा, कॉइल और रेजिस्टेंस के बीच में। तो ये वाली हम वायर लगा लेते हैं, जो आपकी B+ है वो हमारी ये 2.2 ओम की रेजिस्टेंस है, ये जो 5200 वाली है। तो प्लस वाला जो टर्मिनल है वो हमारा 5200 पे लग जाएगा और जो B- है ये हमारा इस रेजिस्टेंस पे लग जाएगी, जो 2.2 ओम की 1943 की रेजिस्टेंस है वहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। और जो हमारा जो होल्ड DC+ और माइनस है, ये हमारा प्लस है, तो ये हमारी जो कनेक्शन है वो 5200 की मिडल वाली पिन पे लग जाएगी, जो मिडल वाला पिन है प्लस वाली। और यहीं पे हम सप्लाई भी दे सकते हैं, तो सप्लाई भी लगाएंगे। और जो माइनस वाली है ये हमारी जो 1943 है उसकी सेंटर वाली पिन पे लग जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा ये कनेक्शन हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पे पावर सप्लाई के कनेक्शन लगा लेते हैं। तो पावर सप्लाई में सबसे पहले हम ग्राउंड को कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा ग्राउंड है, तो ये हमने अभी फिलहाल ग्राउंड से कनेक्ट कर लिया है। और ये हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव हम एक तो यहाँ पे लगा सकते हैं या फिर हम अभी फिलहाल के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे जो 1943 है उसकी सेंटर वाली पिन पे लगा देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। और जो हमारी पॉजिटिव वाली लाइन है, जो हमारी ट्रांसफार्मर से आ रही है, वो हमारी 2SC 5200 की जो सेंटर वाली पिन है उस पर लगा देते हैं हम। तो देखिए, कुछ इस तरह से हमारे कनेक्शन हो गए हैं। अभी हमें ऑक्स केबल लगानी है ऑडियो इनपुट के लिए। तो ये हमारी ऑक्स केबल है, तो ये हमारा ऑडियो इनपुट यहाँ पर लग जाएगा। और ग्राउंड हम वहीं पे कर देते हैं। उसके बाद हमें स्पीकर की वायर लगानी है। तो स्पीकर का आउटपुट, तो हमारे पास ये 2 कॉलम हैं, आप देख पा रहे हो,
दो कॉलम, और हम इसके लिए 22022 का ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं। आप 30030 से लेकर के आप 55055 तक का 10 से 12 एम्पियर का ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं। और ये हमारी कॉलम की दो वायर है, कुछ हमने दोनों कॉलम की वायर आपस में ज्वाइंट कर ली है। तो एक हमारा इस कॉइल पे लग जाएगा जो स्पीकर का आउटपुट है, जो हमारा पॉजिटिव आउटपुट है वो यहाँ पे लग जाएगा, और जो सेकंड वाला है उसे हम ग्राउंड के साथ लगा देते हैं। ठीक है, तो अभी हम ऑडियो प्ले करते हैं और पावर ऑन करते हैं। पावर ऑन हमने किया नहीं, तो ठीक है, अभी हमारा पावर ऑन हो गया है। अभी हम ऑडियो प्ले करते हैं। हम अभी थोड़े इसके वोल्टेज भी चेक करते हैं। तो देखिए आउटपुट में अभी साउंड नहीं है, और आपको कितना वोल्टेज मिल रहा है, ये हम ग्राउंड और यहाँ पे, तो पूरा 0 वोल्ट मिल रहा है, अब देख पा रहे हो। हम रेंज को और चेंज कर देते हैं, जो हमारी रेंज है कि तो देखिए यहाँ पे अभी कुछ भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है हमें। नॉर्मली हमें जो हमारे ट्रांजिस्टर वाले जो बायसिंग वाले रहते हैं उसमें हमें कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलता है, तो अभी फिलहाल हम और एक रेंज चेंज करके देखते हैं, तो फिर भी हमारा 0 वोल्ट है। तो इस आईसी के वजह से इसका वोल्टेज स्टेबल रहता है, यानी जब आपका साउंड पूरी तरह से बंद हो तो आउटपुट में कोई साउंड कोई भी वोल्टेज प्रोवाइड नहीं होते। तो इस बोर्ड से आप आउटपुट ट्रांसफार्मर बहुत अच्छे से चला सकते हो। तो फिर से एक बार म्यूजिक चला के हम आउटपुट में वोल्टेज टेस्ट करते हैं। हम इसमें ज़्यादा साउंड नहीं बढ़ा सकते, अदरवाइज हमारे स्पीकर डैमेज हो जाएंगे। तो हम थोड़ा साउंड बढ़ा के प्ले करते हैं। और दोस्तों इसमें कोई भी हमिंग नहीं है, बहुत ही स्टेबल तरीके से हमारा ये बोर्ड वर्क कर रहा है। तो अगर आपको भी ये बोर्ड बनाना है तो आप बना सकते हैं। तो इसी तरह के वीडियो हम इस चैनल पे लाते रहते हैं, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।